ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार बेरोजगार युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कांस्टेबल परीक्षा का इंतजार कर रहे 17 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी है। इसके साथ ही रीट 2018 लेवल 2 के पात्र अभ्यर्थियों की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने का निर्देश भी सरकार द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 की तारीखों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। वहीं अन्य राज्यों की तर्ज पर गहलोत सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सरकार सरकारी नौकरियों में सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को मौका देने की भी तैयारी कर रही है और जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रदेश में लंबे समय से सरकारी नौकरियों में 100% स्थानीय युवकों को ही प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है। इस फैसले के बाद पटवारी, तृतीय श्रेणी शिक्षक, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और लिपिक जैसे भर्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को लेकर खासी चिंता जताई है। हाल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला लिया था कि सरकारी भर्तियों में केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को ही तरजीह दी जाएगी। इसके बाद यह मामला गर्मा गया था कि राजस्थान में भी स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए। देश के कई अन्य राज्य में भी इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है। इसी को ध्यान में रखकर उनकी ओर से ये कदम उठाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो सीएम ने माना है कि यदि दूसरे राज्य अपने युवाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं तो राजस्थान ऐसा क्यों नहीं कर सकता, जिससे राज्य के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, विधि सहित अन्य विभागों के आला अफसरों को इस पूरे मामले का परीक्षण देने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में यह मुद्दा कई वर्षों से चला आ रहा है कि यहां भर्तियों में स्थानीय युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश में कई तरह की भर्तियां ऐसी है जहां 100% स्थानीय युवा को ही प्राथमिकता देने की जरूरत है। जहां भारी युवाओं के मुकाबले स्थानीय युवा अच्छे से और बहुत बेहतर गुणवत्ता के साथ काम कर सकते हैं। पटवारी वाली नियुक्तियों में किसानों से संबंध काम होते हैं। राजस्थान में जमीन को नापने के लिए जो पैरामीटर होते हैं उन्हें स्थानीय व्यक्ति ही आसानी से समझ सकता है। इस तरह ग्राम विकास अधिकारी लोगों को सरकार की व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानकारी देता है। इसके लिए जरूरी है कि उसे स्थानीय भाषा आनी चाहिए ताकि वह लोगों को आसानी से समझा सके। ऐसे में स्थानीय होने पर ये काम आसानी से किए जाते हैं। प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक शिक्षक अगर स्थानीय होगा तो वह बच्चों को आसानी से समझा पाएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि तय, 17 लाख का इंतजार खत्म। प्रदेश के 17 लाख का अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार समाप्त करते हुए सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तिथि घोषणा कर दी। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर को होगी। 5,438 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 17 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। ऑफलाइन होने वाली ये परीक्षा 2 पारियों में कराई जाएगी। इससे पहले इस परीक्षा को मई में आयोजित करवाने को लेकर तैयारी की गई थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा पहले अगस्त और नवंबर में परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सहमति बनी है। रीट 2018 की वेटिंग लिस्ट होगी जारी, बैकलॉग पद भी भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट 2018 परीक्षा लेवल 2 के पात्र अभ्यर्थियों की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। लिस्ट जारी करने से स्कूल शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति दिए जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 के विज्ञापित पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विज्ञापित पदों से कम पदों पर भर्ती होने के कारण ये पद रिक्त रहे। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही विशेष योग्य जनों के हितार्थ कनिष्ठ लिपिक भर्ती परीक्षा 2018 में दिव्यांगजन के 157 बैकलॉग पदों पर भी भर्ती कराने का निर्णय लिया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।